प्रतिभाशाली बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ओमेगा में आयोजित किया गया ओटीएसई परीक्षा का आयोजन। सैकड़ों बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति पुरस्कार का लाभ। लगातार 9 वर्षों से छात्र छात्राओं के प्रतिभा को निखारने हेतु ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा ओटीएसई का आयोजन आज दिनांक 12 फरवरी को दो पालियों में किया गया। इस वर्ष ओटीएसई परीक्षा के दोनों पालियों में कुल 2756 बच्चे सम्मिलित हुए। विगत 9 वर्षों से उत्तर बिहार के विद्यार्थियों के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को दिया जाता है 100% तक की छात्रवृत्ति और ढेरों पुरस्कार। पूर्व के वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हजारों बच्चों ने संस्थान से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर देश के विभिन्न आईआईटी एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में अपना दाखिला करवा चुके हैं। संस्थान के विद्यार्थियों ने डॉक्टर इंजीनियर व वैज्ञानिक आदि बनकर मिथिलांचल और देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा से निखर कर आए हैं। संस्थान के पहल का परिणाम है कि ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जाम ओटीएसई विगत 9 वर्षों में एक मुकाम हासिल किया है। वहीं संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि इस वर्ष ओटीएसई परीक्षा के दोनों पालियों में कुल 2756 बच्चे शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के पीछे संस्थान का मूल उद्देश्य दूर दराज के गांव में जो काफी मेधावी छात्र छात्राएं हैं और किसी कारणवश आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण, वैसे मूल रूप से आर्थिक असमर्थता के कारण ही बच्चे शहर की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम लोगों का यही प्रयास है कि ऐसे बच्चे जो दूर दराज के हो और उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाए, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए ओमेगा में नामांकन करा बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में बेहतर सफलता प्राप्त कर नए मुकाम हासिल कर सके। कहाँ सर? ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। किस किस सब्जेक्ट से सवाल? हम लोगों का तो 11 का, हम यहाँ पे 11 का देने आए थे, तो मेरे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन। क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए तो कैसा रहा था? क्वेश्चन एकदम बोर्ड लेवल था, इजी था हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं था कि एकदम से नहीं देखे हैं, कुछ नया सा नहीं था, बहुत इजी था और हम लोग के हिसाब से। क्या फायदा? कितना स्कॉलरशिप का उम्मीद करती हैं? 90। क्या एम्बिशन क्या है आपका? एम्बिशन आईआईटी इंजीनियरिंग। क्या नाम हुआ? नयनसी कृष्णा। थैंक यू। ओमेगा स्टडी सेंटर क्या क्या चीज़ के लिए? ओटीएसई एग्जाम है आज, इसी वजह से। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा गया। क्या सोच के आए थे ओमेगा में? सोच के आए थे कि आज अच्छा जाएगा और 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। आगे चल के क्या बनना चाहते हो? आईआईटी इंजीनियर। क्या नाम हुआ? अर्पित राज। कहाँ आए थे और क्या चीज़ एग्जाम था? जी मैं ओटीएससी एग्जाम में आया हूँ, यहाँ ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर में है। मेरा तो बहुत अच्छा गया, मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा गया। क्या क्या सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन पैटर्न था? जी मैथ जो था वो थोड़ा हार्ड था और इंग्लिश और आसान था मेरे हिसाब से, और जो क्वेश्चन लिया भी था तो बहुत अच्छा था। मैथ और साइंस क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। कितना स्कॉलरशिप लगेगा? अगर हम मेरे ख्याल से मुझे 90 बना सकते हैं। 90 आ सकता है। 9 वर्षों से प्रत्येक साल हम लोग ओटीएसई की का एग्जामिनेशन अरेंज करवाते हैं। ओटीएसई दैट मीन्स ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के पीछे हम लोगों का ये सोचना है कि ऐसे सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से किसी अभाव में हैं या ग्रामीण परिवेश में हैं, तो उनको शहर में लाके और शहर के ऐसे बच्चे जो प्रतिभा संपन्न हैं उनको हम लोग एक एक कर उनके आर्थिक विपन्नता को कारण ना बनने दें उनके सफलता में, तो या वैसे बच्चे जो हर मामले में संपन्न हैं लेकिन फिर भी उनके प्रतिभा के कारण उनको वो जगह मिलनी चाहिए, तो ऐसे सारे बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए ओटीएसई का आयोजन हम लोग पिछले 9 वर्षों से करते आ रहे हैं। सबसे खास बात इस साल का ये है 2023 का कि आज दो पाली में एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट करवाए हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2756 बच्चे अभी तक अपीयर हुए हैं और उम्मीद है कि इस बार हम लोग अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। तो इतना अपार समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, जो अभिभावक हैं अभी भी सारे अभिभावक से प्रांगण हमारा भरा हुआ है, जहाँ जैसा एक स्थिति आ गया है पूरे मिर्जापुर में, तो इस तरह का जो सम्मान है संस्थान को, इस तरह का भरोसा जो सम्मान पे दिखाया संस्थान पे दिखाया गया है, तो इसके लिए संस्थान सभी अभिभावकों को, उनके बच्चों को, उनके भविष्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं और साथ ही सारे अभिभावकों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना भरोसा हमारे संस्थान पर दिखाया
और इस तरह की भी जो इससे पहले सोचना भी संभव नहीं था ओमेगा स्टडी सेंटर पे किया, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग भी परिसर में आए, अपना वक्त दिए। तो इस एग्ज़ाम में हम लोग एक और ख़ास बात कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर अभी हम लोगों ने जी मेंस का रिजल्ट दिया है, तो जी मेंस के रिजल्ट में आपने देखा है कि 68 ऐसे बच्चे हैं जो 90% से ऊपर स्कोर किए हैं, 99% से ऊपर वाले भी हमारे पास दो बच्चे हैं, 98% में दर्जनों बच्चे हैं। तो इस तरह का रिजल्ट संस्थान की विश्वसनीयता को बनाता है। तो ये रिजल्ट और इससे पहले भी दर्जनों हमारे पास IITs मेडिकल के ऐसे रिजल्ट हैं, सैकड़ों में रिजल्ट हैं IIT NIT और मेडिकल के। तो वो सारा रिजल्ट हर एक मोहल्ले का है और सारे अभिभावक एक दूसरे, आज वो सारा बच्चा भी हमारे प्रांगण में, उसमें से बहुत सारे बच्चे आपको दिख गए होंगे प्रांगण में। तो ये एक विश्वसनीयता है संस्थान का और आगे भी संस्थान उन सारे बच्चों को परिस्थिति का मोहताज ना बनने देने का आपको भरोसा दिलाती है। वो चाहे जिस परिस्थिति को हो उनको निकाल के हम लोग लाएंगे। इंजीनियर डॉक्टर बनने की जहाँ तक उनमें लालसा है, हमारे साथ जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं, मैनेजमेंट का टीम है, तो हम लोग संकल्पित भाव से लगे हुए हैं इस काम में। OTSE इसी का एक प्रतिभा तलाश खोज, मतलब प्रतिभा खोजने की बात हम लोग कर रहे हैं। हजारों का समर्थन मिल रहा है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आने वाले साल में फिर काफ़ी बच्चों का ऐसा समूह हम लोग ढूंढ पाएंगे जिनमें प्रतिभा की अपार संभावनाएं हैं और उनको सफलतम बनाने के लिए हम लोग अपने अपना पूरा कोशिश देंगे। थैंक यू सर।